सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पीपीयू की जो पीएचडी टेस्ट थी वो स्थगित हो गई है। ठीक है, इसका पीएचडी टेस्ट स्थगित होने के कारण पार्ट वन, पार्ट टू एवं पार्ट थ्री की जो एग्जाम होने वाली है उन सभी एग्जाम पर इसका प्रभाव दिखेगा। तो देखिए न्यूज़ देखिए क्या दिया गया यहाँ। देखिए पीपीयू की का पीएचडी टेस्ट स्थगित। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने 20 मार्च को होने वाली पीएचडी एडमिशन टेस्ट को स्थगित कर दिया है। परीक्षा की नई तिथि जल्द जारी की जाएगी। हालांकि अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने स्थगित कर दी गई, लेकिन ये नहीं बताया है कि एग्ज़ाम जो है अब कब तक कब जो है दोबारा से ली जाएगी, दोबारा डेट जो है कब आएगी। अभी ऐसा कुछ भी नोटिस पाटलिपुत्र की तरफ से नहीं आया है। फिलहाल ये बताया गया है कि 20 मार्च को जो होने वाली पीएचडी एडमिशन टेस्ट थी उसको जो है स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि जल्द जारी की जाएगी, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं जो इसकी इसके लिए लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन थी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की, ये जो पीपीयू की पीएचडी टेस्ट जो है जो कैंसिल हो गई, जो स्थगित हो गई है, उसको लेकर के एक नोटिस आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दी गई है। ठीक है, अधिसूचना जारी कर दी गई। वहीं पीपीयू कॉलेज में शनिवार को पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। कॉलेज में शिक्षक व कर्मियों का आना है, इसकी सूचना भी कुल सचिव की ओर से निर्गत कर दी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है पीपीयू की पीएचडी टेस्ट स्थगित कर दी गई है, इसका प्रभाव जो है पार्ट वन, पार्ट टू एवं पार्ट थ्री एग्जाम पे कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेता हूँ कि आप यूजी जो के स्टूडेंट्स जो भी हैं वो अपना फॉर्म किस तरह से जो है फिलअप कर सकते हो, और सॉरी इसमें किस तरह से नहीं बताएंगे क्योंकि अभी जो साइट ने जो है एक्टिवेट नहीं हुआ। मैं आपको इसमें बताऊंगा कहाँ से जाके आप जो है यूजी का जो है फॉर्म जो है आएगा और वहाँ से आप जाके फॉर्म भर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी स्टूडेंट्स पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आते हैं उन सभी का यूजी का अगर एग्जाम फॉर्म आता है तो आप सभी लोग, मैं आपको जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूँ उस स्टेप पर वहाँ पर जाने के बाद आप जो है वहाँ पर एग्जाम फॉर्म आप देखते रहिएगा। अगर नोटिस आती है तो वहाँ से एग्जाम फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन मेनू पे जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एडमिशन एंड एग्जामिनेशन में चले जाना है। एडमिशन और एग्जामिनेशन में चले जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है फील एग्जामिनेशन फॉर्म वोकेशनल, इस पर आप जाके क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको एक नया पेज खुल के आएगा, देखिए इस तरह से आएगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हो, अगर लिंक आएगी और कहाँ पर आएगी मैं बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 डॉट यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है फिल न्यू फॉर्म, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है फिल न्यू फॉर्म, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए UGPG सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म दिया गया है, आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए UGPG सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म दिया, आपको इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक कीजिएगा तो जैसे ही आपको एक नया पेज खुल के जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर नॉट फाउंड लिखा है, अभी तक जो लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। अगर लिंक एक्टिवेट होगी तो यहाँ पर नॉट फाउंड की जगह आपका लिंक आ जाएगा एग्जाम फॉर्म भरने का, और आप वहाँ से जाके फॉर्म भर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।